आज हम आए हैं बाज़ार दोपहर में ही रोजे में, अभी 3 बज रहे हैं क्योंकि यहाँ बाज़ार जो है वो बंद हो जाता है इफ्तार के बाद। हम बाज़ार से भी वापस आ गए हैं, 5:30 हो रहे हैं एंड आई हैव टू मेक इफ्तारी क्योंकि हम आ गए हैं टाइम से, तो मैं बना लेती हूँ। आज शॉपिंग की है हमने कुछ, इसमें मेजॉरिटी वैसे बाकी ही चीज़ें हैं, बस मैं ये समेटने लगी हूँ। तो सीन ये है कि आज ना मैं पहली बार ज़िंदगी में, शादी को मेरे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज मैं पहली बार गई हूँ यहाँ के बाज़ार, जो लोकल बाज़ार होता है ना, लाइक पता नहीं उसको, लोकल बाज़ार जो होता है लाइक नॉट ब्रांड्स, वहाँ मैं जाती रहती हूँ। पर यहाँ ब्रांड्स की ना वैरायटी नहीं होती, ब्रांड्स पे कुछ ढंग का मिलता नहीं है और अब आजकल खैर ऐसे मिल भी नहीं, और प्लस मुझे शादी आ रही है हमारी फैमिली में, तो इफ़ा के लिए फैंसी थोड़ा कपड़ा टाइप चाहिए था, मेरे माइंड में एक आउटफिट था तो मैं वो बनाऊँगी, तो मुझे वो चाहिए था और इफ़ा की चीज़ें ही बेसिकली चाहिए थी। तो फिर आज बाज़ार से हम लोगों ने शॉपिंग की और मुझे मिल गई काफ़ी चीज़ें। सुकून से बैठी हुई है वो, बेटी को बाबा उसका टाइम हो जाएगा बाबा। बाबा लेट गई आपके ऊपर, बाबा बाबा टंग करें, बाबा को कॉपी कर दो, बाबा को कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। बाबा गु गु गु। ओ ये क्या हो गया, मैं मानता हूं मुझे तो निभाने दे, उसे मम चाहिए होगा। क्या चाहिए बेटे, पानी हाथ से पिलाइएगा, ये गिराती है इस वाले से, कुछ और मांग रही है। बस बेटे बस, और नहीं पीना, बस फिनिश, राउंड एंड राउंड कर लो, ब्लिंक ब्लिंक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो इट्स 6th रोज़ा आई थिंक, हाँ 6th है, काउंट मुझे याद नहीं रह रहा है क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बट आज 6th रोज़ा है, तो 6th रोज़ा मुबारक। और कल हम गए थे शॉपिंग पे, आज सारा दिन कुछ खास किया नहीं, बस अभी इफ्तारी बना के हटी हूँ, बस अब मैं नीचे जाने लगी हूँ एंड कुछ नहीं। मेरा ये बैकग्राउंड आपको ना ये पीछे स्टैंड कपड़ों वाला नज़र आता होगा, बट इधर लाइट सामने आ रही होती है तो मैं इसलिए फिर इस जगह खड़ी होकर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ये वाला सीन। एंड येस, आज मैंने ना नान पकौड़ा ट्राई किया, कल हम बाज़ार गए थे तो वहाँ पे ना मुझे नान और पकौड़ा, नान के ऊपर जो पकौड़े वाला मिक्सचर लगा के नान बनते हैं ना, वो नज़र आया, तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ, कल वैसे भी नान मंगवाए थे तो वो मैंने ट्राई किया है, आई डोंट नो कैसे बने हैं, बट आज वो नई चीज़ मैंने ट्राई की है और आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। ये मैं एप्पल कट करके पापा के लिए जूस बनाने लगी हूँ, आई होप कि वो पी ले, साथ में मैं उसके लिए अब ये फ्राई करूँगी एक डोनट और एक नगेट। मिठू खाने, मामा बस बेटे क्या खाया, सिर्फ एक नगेट, नान प्लीज खा लिया करो, वो प्लीज खा लिया करो बेटे, खा लें प्लीज। हाँ स्पेगेटी इन द मेकिंग, मैं वैसे यूजुअली अनियंस नहीं डालती, बट आज मैं डाल रही हूँ दीज वेजिटेबल एंड चिकन। दिस इज हाउ आई मेक स्पेगेटी, वैसे मैंने पहले इसकी और तरह से बनाती थी, अब मैंने थोड़ा सा रेसिपी को चेंज किया है, अनियंस ऐड किए हैं, बट अनियंस को मुझे बिल्कुल गायब करना होता है, तो उनको ब्राउन करके फिर पानी डाल के अच्छे से इसको मतलब गलने देना है ताकि गायब हो जाए बिल्कुल मसाले। My husband is an onion hater. इधर मुँह करें इफ़ा, इधर मुँह करें, ये हर वक्त कैटी बनी रहती है इफ़ा, कपड़ों का हाल देखो तुमने क्या किया, लेट गई हो। कैटी कैटी कहाँ है, कैटी कहाँ है मामा की, ओए क्या कर रहा है गंदा बच्चा, इफ़ा इफ़ू लाना था, मैं अम्मी इफ़ू को लेके बाहर जा रहे हैं, इधर तो देख लो, ओए बाय मम्मी, बाय
ब्राउनी लिया है, ये तो खैर अंदर रख दो, ये हम बाद में खाएंगे। अभी फिलहाल मैंने स्पेगेटी गरम करने रखी है, स्पेगेटी अभी एज इट इज पड़ी थी बिकॉज उस टाइम हम लोगों ने राइस खा लिए थे, तो और इसका ढक्कन हटाया ना तो उसके अंदर ज़रा वो स्टीम से पानी हुआ हुआ था एंड पानी गिर गया स्पेगेटी में, तो फिर मैंने सोचा मैं अभी इसी में गर्म कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो टुडे इज़ नेक्स्ट रोज़ा, मुझे काउंट याद नहीं है तो मैंने सोचा है मैं बस जब नए रोज़े का स्टार्ट करूँगी तो मैं बस नेक्स्ट रोज़ा बोल दूँगी। तो अब सीन ये है कि सुबह मैं आज तो मैं सही से सो भी नहीं पाई बिकॉज मैं सहरी के बाद ही सोती हूँ, और इफ़ा जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कॉन्स्टिपेशन इतनी हुई हुई है कि वो बहुत तंग हो रही थी, तो फिर मैं उसके लिए उठी सुबह एंड खैर वो बहुत ना डाउन हो रही है इस वजह से, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, मे बी पता नहीं, मम्मा कह रही हैं कि टीथ इशूज़ हैं, अभी दांत आ रहे हैं उसके इसलिए, बट आई डोंट नो। तो खैर मेडिकेशन भी हो रही है, स्टिल बहुत तंग है वो। अभी मैंने उसके लिए फिर कस्टर्ड बनाया है कि शायद शाम को वो कस्टर्ड खा ले, पता नहीं खाती कुछ नहीं है वो, मे बी कस्टर्ड खा के थोड़ा सा बेटर हो, तो अभी मैं उसके लिए कस्टर्ड बना के रख के आई हूँ। उसके लिए बनाया तो थोड़ा सा, तो बस दूध थोड़ा एक्स्ट्रा बच भी रहा था, तो मतलब आज के फ्रेश मिल्क के अलावा कल वाला बच रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना दिया, उसमें अपने लिए थोड़े से मैरी बिस्किट्स डाल दिए क्योंकि मैं केक वाला या बिस्किट वाला खाती हूँ, तो बस ये बना के रखा है मैंने अभी। और अभी अभी मैंने साथ ही विंग्स को, आज विंग्स बनाने अफ्तार में, मतलब मैंने 20 विंग्स थे मेरे पास तो मैंने 5x5 में डिवाइड कर दिए क्योंकि मतलब और चीज़ें भी होती हैं तो एट अ टाइम इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते, तो बस 6 विंग्स को मैंने अभी मैरिनेट करके रख दिया है ताकि, और बाकी को मैंने 5x5 के पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, बल्कि नहीं थोड़े ज़्यादा थे शायद 25 थे, तो मैंने खैर डिवाइड करके रख दिया ताकि अगली बार, अभी तो एक ही पैकेट में थे तो अब अगली बार जब भी निकालूँ तो एक ही पैकेट निकालना पड़े, बार बार मुझे डिफ्रॉस्ट ना करनी पड़े चिकन। ये कस्टर्ड है, अभी मैंने बस ऐसी जाली ढक के रख दिया, ये इफ़ा का है छोटे से बाउल में, और इसमें थोड़ा सा मैंने बिस्किट्स डाल के मैरिनेट कर दिया। आज बात क्या, जो कपड़े तो उसके सही करो, कपड़े इसके छोटे हुए। आजो आजो आजो, वो सुंदर साथ ही डस्टबिन डस्टबिन। इफा क्यों इतना गंदा बेबी है ये, जूते भी टेढ़े हुए हैं। मैंने विंग्स मैंने नेट करके रखे हल्के से, मैंने कोई खास इसका मैरिनेशन वाला वो नहीं लगाया, वैसे मैं पहले हमेशा अपना लगाती हूँ, बट आज मैंने बस वो क्रिस्पी फ्राइड मिक्स जो होता है ना वो लगा दिया इसमें, और मैदे में मिक्स करके, मैदे में भी बस वही डाला है, अब वो इसमें डक करके क्रिस्पी चिकन बन जाएगी। ये क्या हो रहा है इफा, अभी आप नींद में थी, मस्ती चढ़ गई है इसको, हम जा रहे हैं बाहर। तो ये मेरा पार्सल एक रिसीव हुआ था, मैंने अभी ओपन नहीं किया है, ओपन नहीं किया है अभी इसका। जी जी माँ माँ अभी चलते हैं, ये इनकी बॉल्स देखें कहाँ पड़ी हैं लॉन में। याशे हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पुप्पो को लेने। ए अल्लाह जी, आज सुम्बुल का लास्ट पेपर है, उसको हम लेने जा रहे हैं, वैसे शेरी जो है वो ड्रॉप करते थे उसको सुबह में, और सहमत भाई उसको पिक करते थे इस टाइम, मतलब उसका जो पेपर ख़त्म होता था, बट तो आज जो है वो सहमत भाई को कहीं काम है ऑफिस में अपना, मतलब वो करवा रहे हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ शेरी, तो जो है शेरी कहते हैं कि फिर इफ़ा और किंजा साथ चले, हम पुप्पो को लेने चले हैं ना इफ़ू, और इफ़ू का ये सोने का टाइम है, हमने उसे सिलाया नहीं है, और अब इसकी नींद आज की डिस्टर्ब हो जाएगी, सो वी डोंट नो आज हमारे साथ क्या होगा अफ्तार के टाइम पे या बाद में। शी स्लीप्स अराउंड 3 to 3:30 एंड दिस इज हर रूटीन, इसको ज़रूर सोना होता दोपहर में। इफ़ा नो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। आज मैंने नोट किया दोनों भाइयों की ट्विनिंग हो रही है, ब्लू शर्ट शेरी की थोड़ी टेक्सचर्ड है, इधर भी और ब्राउन पैंट कहाँ गए बाबा, यूनिफॉर्म बॉयज बने हुए आज, ब्राउन पैंट ब्लू शर्ट, किधर है किधर है बाबा किधर है, वो तुम तो बैठ जाओ, बाबा पूछा करेंगे, बाबा आ गए, चलो बाबा आ गए, टाइबू को टाटा कर दो, टाटा टाटा कर दो, टाटा नहीं करना। ये बच्चा तंग किए जा रहा है, इसका सोने का टाइम है, हाइपर एक्टिव हो रही है अभी। बाबा गए हैं पुप्पो को लेने, पता नहीं कहाँ है स्कूल, और पुप्पो अभी तक आई नहीं है, जान जान पीछे की जाओगी।
ये मेरा बेटा पिंकू हो गया है, पूरा गर्मी लग रही है क्योंकि बाबा गाड़ी बंद करके गए थे कि फूफा जल्दी से आ जाएंगी। क्या दे दो, वो तायाबू की स्टेथ है वो नहीं लेनी। शक्ल देखो बनाती है मैं तो। कहाँ रह गई फूफो, शब निकल आए फूफो ले गई। माई चिकन इज रेडी, अब मैंने उसमें कोल्ड स्मोक देना है, ठीक है बस थोड़े गर्म हो रहे हैं फिर इसके अंदर रखूँगी। अच्छा मैं इतना आहिस्ता बोलती हूँ, मुझे लगता है मेरी आवाज़ ठीक नहीं आती होगी आप लोगों को, पहले बस गर्म हो जाए। दिस इज माई पराठा। अच्छा मैंने शेरी को गोल पराठे बना के दिए हैं और बहुत अच्छे बन गए थे, मतलब छोटे छोटे बनाए थे मैंने, फिर मैंने अपने लिए सोचा मैं स्क्वेयर ट्राई करूँ एंड स्क्वेयर की जगह ही कुछ और ही बन गया, बट अच्छा बना है।